Okay, so students, today's subject is English. In English, your second chapter is Birbal identifies the thief. Okay, we read this chapter and we did some question answer of this chapter. Now we will do the book work of chapter. Okay, so page number 23, question number D. Choose the correct options. There may be more than one correct option for each of these. Okay, correct option पर टिक करना है, choose करना है. सो फर्स्ट है ए बंच ऑफ, या मैं सिर्फ जो करेक्ट आंसर्स है वो राइट करवाऊंगी, आप टिक कर लेना बुक में. ए बंच ऑफ सी ग्रेप्स. सेकेंड है इसी का ए क्राउड ऑफ, इसमें ए एंड बी दोनों होगा, ऑनलुकर्स एंड पीपल. ए क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स एंड बी पीपल. ओके, थर्ड है ए फ्लीट ऑफ, इसमें होगा बी एंड सी, शिप एंड ट्रक्स. बी शिप एंड सी ट्रक्स. फोर्थ है ए फ्लाइट ऑफ ए एंड सी, स्टेयर्स एंड पिजन. ओके, एंड फिफ्थ इज ए कैनल ऑफ डॉग्स, तो इसमें हो जाएगा ए. A kennel of dog. Sorry, yeah. Back over C. And six is a brightness and galaxy of stars. इसमें होगा A and C. Brightness. एंड सी हो जाएगा गैलेक्सी. ओके, सेवन ए गैंग ऑफ थीव्स, बी गैंग, एंड एट में होगा ए गार्डन एंड ऑर्चर्ड ऑफ ट्रीज. ए गार्डन एंड एन ऑर्चर्ड ऑफ ट्रीज, तो इसमें ए एंड सी दोनों होगा, गार्डन एंड सी एंड ऑर्चर्ड. ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस. ओके, सो टिक ऑन योर बुक. ओके, सो नेक्स्ट है listening and speaking skills. Okay, first I listen about a few jobs that people do, then fill in each blank with the correct words. Isme fill ups hai, wo fill karne hai correct words ke sath. सो इसमें फर्स्ट है लिसनिंग का, ये
I work with a spade to dig soil. तो first में हो जाएगा spade. Okay, मैं यहाँ पे जो word fill करने हैं वही write करूँगी. Second है इसी का, I use a hose to water plants. तो इसमें हो जाएगा hose. थर्ड है, आई एम ऑलवेज इन द मिडल ऑफ ब्यूटिफुल नेचर. यहाँ हो जाएगा नेचर. नेक्स्ट है, आई एम ए गार्डनर. ओके, इसी का सेकेंड है, Once upon a time, I used to visit every home. तो यहाँ हो जाएगा visit. Second, I wear a khaki uniform. सी का third है, I deliver parcels and letters. सिका फोर्थ है, आई एम ए पोस्टमैन. एंड थर्ड नंबर पे है, आई एम ऑलवेज ड्रेस्ड इन कलरफुल क्लॉथ्स. तो यहाँ हो जाएगा कलरफुल. I wear a conical cap on my head. Third, I make people laugh. I am a clown. Okay. तो ये फिलअप्स हैं, जो करेक्ट वर्ड्स हैं वो मैंने बोर्ड पे राइट कर दिए, ये आप फिल करोगे बुक पर, बुक में. ओके, जो कि पेज नंबर 24 पे जो फिलअप्स दिए हुए उसमें फिल करोगे. नेक्स्ट एक स्टोरी है पेज नंबर 25 पे, तो उसमें भी फिलअप्स फिल करने. ओके, फर्स्ट, वन डे क्रो फाउंड ए पीस ऑफ ब्रेड ऑन द ग्रास. ओके, एक दिन एक क्रो को एक ब्रेड का पीस मिला ग्रास में. तो यहाँ हो जाएगा ए पीस ऑफ ब्रेड. ब्रेड, ओके, फर्स्ट जो फिलअप है उसमें करोगे पीस ऑफ ब्रेड. सेकेंड, It took the piece of bread and went to a tree. उसने वो ब्रेड का पीस लिया और एक ट्री पे चला गया. तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट वाले फिलअप में पीस ऑफ ब्रेड. एंड went to a tree. Sorry. फिर सेकेंड फिलअप ऐसी का उसमें ए ट्री. ओके, एक लाइन में दो दो फिलअप्स आए हैं, तो फिर जो फर्स्ट फिलअप में फिल करना है वो ये है, और सेकेंड में करना है वो ये है, राइट. ओके, और बीच में ये कोमा लगाया हुआ है, तो जो फर्स्ट फिलअप में फिल करना है वो इस साइड वाला है, और जो सेकेंड में करना है वो इस साइड वाला है. सेकेंड, थर्ड एंड, ए फॉक्स कैम बाय And so the crow with a piece of bread in its mouth, the fox also wanted it. वहाँ एक फॉक्स आई और उसने देखा कि क्रो के मुँह में था एक ब्रेड का टुकड़ा था उसके क्रो के मुँह में, तो जो फॉक्स थी वो उसे लेना चाहती थी पीस ऑफ ब्रेड को. तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट फिलअप में फॉक्स,
सेकेंड में हो जाएगा पीस ऑफ ब्रेड विद द पीस ऑफ ब्रेड, सॉरी विद द पीस ऑफ ब्रेड. With a piece of bread in its mouth, in its mouth, and third जो fill up है उसमें भी आ जाएगा fox, okay? ये first fill up का है, ये second का है और ये third का है. फोर्थ है इसी का, द क्लेवर फॉक्स वेंट अंडर दैट ट्री एंड सेड, ओ यू आर सच ए ब्यूटिफुल क्रो, इफ ओनली आई कुड हियर योर ब्यूटिफुल वॉइस, वॉन्ट यू प्लीज सिंग फॉर मी. तो वो जो क्लेवर फॉक्स है वो उस पेड़ के नीचे गई और जो क्रो है उससे बोला, कहा कि यू आर सच ए ब्यूटिफुल क्रो, तुम बहुत सुंदर क्रो, इफ यू ओनली आई कुड हियर योर ब्यूटिफुल वॉइस, वॉन्ट यू प्लीज सिंग फॉर मी, सिर्फ मैं ही तुम्हारी जो ब्यूटिफुल वॉइस है उसे सुन सकती हूँ, क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो. तो फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में फॉक्स, सेकेंड में द ट्री, फॉक्स दैट ट्री, एंड थर्ड में हो जाएगा सिंग फॉर मी. मी ओके. फिफ्थ में द फूलिश क्रो वॉज फिल्ड विथ प्राइड आफ्टर हियरिंग हिज प्रेजेस एंड ओपन इट्स माउथ टू सिंग. जो फुलिश क्रो था, बेवकूफ क्रो था, वो काफ़ी खुश हुआ उसकी चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर और उसने गाने के लिए अपना मुँह खोला. तो यह हो जाएगा फिफ्थ में ओपन हिज ओपन इट्स माउथ माउथ ओके. एंड सिक्स नंबर वाले में होगा द मूमेंट द क्रो ओपन इट्स माउथ द पीस ऑफ ब्रेड फेल ऑफ एंड द कनिंग फॉक्स पिक्ड अप एंड रैन अवे. और जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह को क्रो ने अपना मुंह ओपन किया, जो पीस ऑफ ब्रेड था वो नीचे गिर गया और जो फॉक्स थी उसने उस ब्रेड के पीस को उठाया और वहाँ से भाग गई. ओके तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट फिलअप में द क्रो ओपन इज ओपन इट्स माउथ माउथ ओके. नेक्स्ट फिलअप में होगा पीस ऑफ ब्रेड ऑफ ब्रेड ओके. एंड थर्ड में होगा कनिंग फॉक्स. ओके सो ये हुई आपकी स्टोरी कंप्लीट. ये बुक वर्क है जो आपको करना है और ये बुक वर्क आपका